अपने हाथ ऊपर करे और मैं नारा मारूंगा मजा तब है ये बात दिल्ली में भी आगे बन रही है। सभा के साहब का लीडर ऑफ अपोजिशन, हिंदुस्तान में 40 साल रहे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, शुक्रिया नरेंद्र जी। मैं गुजारिश करूं जनाब अमीन भट्ट साहब का एमएलए श्रीनगर, गुरमीत सिंह जी जल्दी 2 मिनट। 8 साल से दरबदर करके रखा है लोगों, आज हमारी जमीनें जो थी वो छीन रहे हमसे, जो स्नेहबंदी आजाद ने रोशनी की सूरत में हमको मिली वो आज छीनी जा रही है। आज बिजली, जो बिजली हमको 250-300 रुपए फीस देना पड़ता उसको आज प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और याद रखो मैं बिजली का मिनिस्टर खुद रहा हूं, ये खाली इलेक्शन नेता काम करने का, उस कारपेंटर से, उस मेरे गुजर बकरवाल भाई से जो जिसको वो पंजियों के लिए घास भी नहीं है वो कहां से जाएगी पहाड़ों पे मेंटेनेंस की वजह से चढ़ नहीं सका, और मेरे गांव में हर एक मेरा भाई हो, दलित भाई हो या स्वर्ण भाई हो, उसके पास जमीन कहां, खेती कहां, जमीन जो थोड़ी सी थी कुछ हमने दी थी रोशनी में, मैंने धर्म और जाति नहीं पूछा था, मैंने इतना ही समझा था कि भाई 2 कनाल 3 कनाल जमीन पे अगर वो 40 साल 50 साल से बैठा है रोजी कमा रहा है तो उसको दे दो, वरना रोज उससे पटवारी या पुलिस के लोग पैसे खर्चते थे, तुम जमीन पर है दे दो, उसके पास तो होता नहीं था। वो जमीन भी वापस ली, जो घाई चराई की जमीन थी वो भी वापस ली, सरकारी जमीन वो भी वापस ली। इधर कठुआ जिले में 1947 में हमारे जो विस्थापित हुए थे हिंदू भाई उनकी वो जमीन भी वापस ली। तो ये वापस लेके जमीन को क्या करना है, जमीन हमारे लिए है, गरीबों के लिए है, लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। जमीन को सरकार को अपनी जेब में नहीं रखना है, जमीन के पास जो भी जो सरकार के पास जो है वो लोगों के जनता के लिए बांटने के लिए है, उनसे जेब काट के अपनी जेब में रखने के लिए नहीं है। सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए, लोग सरकार के लिए कभी नहीं होते, यही लोकतंत्र में होता। जब डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं होता है तब सारी जो दौलत है वो सरकार की होती है, लेकिन जब जमहूरियत होती है लोकतंत्र होता है तो सारा खजाना लोगों के लिए है, सरकार के लिए नहीं। आज वो सरकार अपने पास लाती है, मुझे पूरी सहानुभूति है आपके साथ, पूरी हमदर्दी है आपके साथ, और विशेष रूप से बॉर्डर के जो लोग हैं उसमें तो हम सब आपके साथ, जितने यहाँ बैठे हैं हम आपके साथ खड़े रहेंगे हर वक्त में, हर लड़ाई में, वो पाकिस्तान के साथ उनकी गोला बारूद की लड़ाई है उसके में भी मुकाबला करेंगे,
इस गरीबी के खिलाफ जो जहाद करना है, उस गरीबी के खिलाफ भी हम आपके साथ हैं और बेकारी और